लुकास परीक्षण एवं उनके यौगिक की पहचान। दरअसल दोस्तों बड़ा ही सिंपल ये हेडलाइन है, लुकास परीक्षण क्या है, और बोर्ड परीक्षा में हर साल ये 2-3 नंबर के इनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। दोस्तों बात करें यदि लुकास परीक्षण की, तो इसमें एल्कोहल के बारे में जिक्र किया जाता है, एल्कोहल की पहचान किया जाता है, लुकास परीक्षण यौगिक की पहचान कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये लुकास परीक्षण है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यानी कि जब कार्बन से एल्कोहल एक हो, सेकेंडरी जब कार्बन में एल्कोहल दो हो, टर्शियरी जब कार्बन में एल्कोहल तीन हो। अब यहाँ पर थोड़ा हम आपको समझाना चाहते हैं, एक यहाँ पर हम पॉइंटेड बात यहाँ पे हम बताएंगे आपको। जैसे दोस्तों ये कार्बन है, जब इससे एक ओ एच समूह जुड़ा हो, ठीक। दूसरा, जब कार्बन से दो ओ एच जुड़ा हो, टर्शियरी में जब तीन ओ एच जुड़े हो, ठीक। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी एल्कोहल है। एक और होता है, कितने डिग्री के कार्बन से ओ एच जुड़ा होता है, तो ऐसे ही होते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यह प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में विभेद करने का अत्यंत सरल विधि है। यानी दोस्तों प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, लुकास परीक्षण के द्वारा ही इन्हें क्या किया जाता है, विभेद किया जाता है, पहचाना जाता है। यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों की लुकास अभिकर्मक यानी सांद्र HCl निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गत से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी एल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्कोहलों की लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गत से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी एल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया, जब HCl ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गत से अभिक्रिया करते हैं पर आधारित है, किसी एल्कोहल में लुकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे आर ओ एच है और HCl है, यानी आर दोस्तों क्या है, एल्किल है, ओ एच हाइड्रॉक्सिल है, सांद्र HCl की उपस्थिति में और ZnCl2 होता है, इससे जब क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, जल अलग हो जाता है, ठीक। तो ये धुंधलापन होता है दोस्तों, इस प्रकार से इनके विभिन्न विभिन्न विभेदों की पहचान की जाती है। थोड़ा यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, कमरे के ताप पर टर्शियरी एल्कोहल तुरंत धुआं उत्पन्न करते हैं, जब टर्शियरी होंगे तब। कमरे के ताप पर सेकेंडरी एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। कमरे के ताप पर प्राइमरी एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः विलायक को पारदर्शी होता है, इनका जो विलायक होता है दोस्तों क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए लुकास परीक्षण और उनकी यौगिक की पहचान के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।